Actually, good evening everyone. In the last class, we have discussed about the defects in the human eye and today we'll solve some numericals on that basis. चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे और एक दो टॉपिक और कवर करेंगे आज में, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन. पर्सन कैसा है बेटा? मायोपिक पर्सन है. अगर पर्सन मायोपिक है तो उसका क्या मतलब है कि उसको दूर का नहीं दिखता और वो पास को क्या है बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा है. तो यहाँ पे क्या है, अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर ऑन फ्रंट ऑफ द आई. यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज डिफेक्ट. आपको क्या है, एक ऐसा लेंस है जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है ताकि उसका डिफेक्ट क्या हो जाए बेटा, दूर हो जाए, है ना? अब मायोपिक पर्सन के लिए डिफेक्ट क्या होता है, हमें दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है ना उसकी इमेज नहीं दिखाई दे रही उसको. तो यहाँ पे यू की जो वैल्यू हम क्या ले लेंगे बेटा, यू क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी पे है तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट, है ना? अब क्या बोल रहा है, मायोपिक पर्सन कहां तक देख सकता है, 50 सेंटीमीटर तक है, देख पा रहा है आसानी से. तो जहां तक वो देख पा रहा है इसका मतलब क्या, वहां पे एक इमेज बन रही है. तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा बेटा, वी. तो यू की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट. और वी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना है, माइनस 50 सेंटीमीटर. अब ये हम माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा डिफेक्ट भाई हमको पता है मायोपिक पर्सन है, तो दैट मींस जो करेक्शन के लिए हमने जो लेंस लगाया था वो कौन सा लगाया था बेटा, कॉनकेव लगाया था, है ना? अब डिस्टेंस के हिसाब से देखो, लेंस के एक ही तरफ है, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी मेरी आपके सामने है, और जो इमेज बनेगी वो मैं कहां से देख पा रहा हूँ, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, है ना? तो सेम साइड की वजह से हमने क्या कर लिया इसको, जो है माना कि डिस्टेंस कैसी होगी बेटा, माइनस, है ना? तो यहाँ पे यू की वैल्यू होगी इन्फिनिटी और वी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस 50 सेंटीमीटर, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन में बोल रहा है पावर ऑफ द लेंस. हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है वो कितना है, 1/ फोकल लेंथ एंड इट हैज टू बी इन मीटर. बस एक फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन इसे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एफ नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, लेंस फॉर्मूला, है ना? लिखेंगे इसमें यहां पे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला. क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो यहां से हम f कैलकुलेट कर ले और इसी f की वैल्यू हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पावर वाली इक्वेशन में रख देंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो ऑटोमेटिक मुझे क्या मिल जाएगा, द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड. चलो बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से. चलिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की जगह कितना है बेटा, माइनस 50. इधर क्या है बेटा, माइनस 1/u. अब नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है. जब हम किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो बहुत कम आएगी, तो लगभग वो कैसी हो जाएगी बेटा, जीरो. ये पूरा पार्ट कैसा हो जाएगा, ये वाला, दिस विल बिकम जीरो. एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ इज इक्वल्स टू माइनस 50 सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे, एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 50 सेंटीमीटर. अब हमको क्या करना है, पावर का फॉर्मूला 1/f है, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f. f की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए था ये मीटर में, तो यहाँ से जो पावर है वो कितना हो जाएगा, माइनस 100/50. दैट मीन्स पावर इज इक्वल्स टू माइनस 2 डायोप्टर. कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, यूनिट है हमारी, है कि नहीं? तो माइनस 2 का मतलब यहाँ पे जो माइनस, इसका मतलब कैसा है, पावर नेगेटिव है, तो किसकी होगी बेटा, कॉनकेव लेंस की, और जो यूनिट है वो कैसी है, 2D. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन. क्लियर है, क्लियर हो गया यहाँ पे, अब आइडिया लग गया होगा आपको इस क्वेश्चन का बेटा. चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है. बोल रहा है अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस 5 डायोप्टर. इस बार जो हमने पहले पावर कैलकुलेट करा था, इस बार वो पावर हमको पहले से ही दी हुई है. पावर कितनी दी हुई है बेटा, पावर इज इक्वल्स टू माइनस 5 डायोप्टर. अब एक तो उसके आगे नेगेटिव लगाए, तो नेगेटिव का मतलब ही क्या है कि जो हमारा जो लेंस होगा वो कौन सा लगेगा बेटा, कॉनकेव, है ना? ऑटोमेटिक द पावर इज नेगेटिव, तो इसका मतलब लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव. चलिए अब हमें क्या पूछ रहा है, फॉर करेक्टिंग द डिस्टिंक्ट विजन, मतलब दूर का जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए उसने क्या लगाया, एक लेंस लगाया जिसकी पावर कितनी दी हुई है, माइनस 5 डायोप्टर. अब क्या करना है हमको, यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. इसकी फोकल लेंथ निकालनी है फॉर करेक्टिंग द डिस्टिंक्ट विजन. पावर दिया है, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ना. रिलेशन क्या है बेटा हमारे पास, देखिए पावर इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ,
और ये डायरेक्टली किस में मेजर हो जाएगा बेटा, मीटर में। चलिए पावर की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस फाइव इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ इन मीटर। अब वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस फाइव। चलिए एफ की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन फाइव, एफ कितना आ जाएगा, माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, मिल जाएगा हमें डायरेक्ट आंसर, इजी है बेटा। अब देख लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन तो अपने आप ही मिल जाएगा आपको, कैसे सॉल्व करना है वो अप्रोच बहुत जरूरी है, जो हमें अप्रोच रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ह्यूमन बींग है, फॉर अ ह्यूमन बींग है ना, दे हैव टू आईज इंस्टेड ऑफ वन आई। ऊपर वाले ने हमको दो आंखें दी है, एक भी तो दे सकता था, एक से भी दिखाई देता है भाई, ये क्लोज कर लीजिए आपको तो दिखाई देगा उसके बावजूद। लेकिन एडवांटेज क्या है कि दो आईज का, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जैसे एक आंख बंद करके आप देखेंगे ना, तो कुछ एंगल हमारा, कुछ चीजें छुप जाती है, ऐसी राइट हैंड साइड वाला एक एक करके आप बंद करके देख लीजिए। लेकिन जब हम दोनों ओपन करते हैं तो हम ज्यादा एरिया तक देख सकते हैं, मतलब काफी चीजें हमको दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो एरिया है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब जैसे मान के चलिए जी ये वाली आंखें हैं आपकी, मान लो ये क्या बेटा, दिस इज आई, ये ह्यूमन आई आपकी। अब वो जहां तक देख पा रहा है, ये क्या बन जाएगा इसका, फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये इतने फील्ड तक देख रहा है या इतने एंगल तक देख पा रहा है। ठीक है, तो दो आईज में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बिल्कुल सही है बेटा। दूसरा कौन सा, इट गिव्स स्मॉलर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी, ये सारे बेकार है। इसमें तो जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, फर्स्ट वाला। दो आंखों से क्या है, हम ज्यादा एरिया कवर देख सकते हैं, और हमारा क्या है जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कैसा हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला, एक मैग्नीफाइंग लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक तरीके का मैग्नीफाइंग लेंस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है दिस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कितने टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता है, यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ है बेटा, एम मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। यहाँ पे d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस, किसके लिए बेटा, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। यहां पे लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। एफ की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पे एफ बोल रहा है दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, हम बस वैल्यू रख देंगे यहाँ पे फॉर्मूले पे। हमें कैलकुलेट करना है क्या, मैग्नीफाइंग पावर। चलिए m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f, यहां से m कितना आएगा बेटा, 1 प्लस कैपिटल D, लीज डिस्टेंस है 25 डिवाइडेड बाई 2.5। अगर इनको हम मीटर में भी लिखेंगे ना, तो ये 100 ऊपर वाला न्यूमरेटर का और 100 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, देखिए m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10, m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड अप टू 11 टाइम्स। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई हो चुका है, 11 टाइम्स। लिख लेंगे यहां पे, ऑब्जेक्ट कैन बी मैग्नीफाइड टू 11 टाइम्स। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे 11 टाइम्स बड़ा हम क्या बना सकते हैं बेटा उसका, है ना, हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन बन जाएगा, बहुत इजी डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बोल क्या रहा है, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। हमारी जो आंखों का जो फोकल लेंथ है, देखो अब लाइट रे सबसे पहले कहाँ पड़ती थी बेटा, कॉर्निया पे, कॉर्निया से पड़ने के बाद एक फ्लूइड है उसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर, उस एक्वस ह्यूमर के बाद फिर क्या पड़ता है, लेंस, लेंस के बाद फिर एक फ्लूइड है, इसके बाद इमेज कहाँ बनती है हमारी, रेटिना पे। तो रेटिना तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, बहुत सारे उसके पास क्या लगे हुए बेटा, रिफ्रैक्शन होते होते तब पहुँच पाती लाइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय,
अब फोकल लेंथ क्यों चेंज करना है, क्योंकि जब हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं ना, तो फोकल लेंथ का डायमेंशन कैसा होना चाहिए बेटा, चेंज होना चाहिए। जब भी हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस कैसा होता है, थिन, और जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस कैसा होना चाहिए बेटा, थिक, है ना, मोटा हो जाता है। तो ये जो फाइनल एडजस्टमेंट है ये किसकी वजह से होता था, सिलेरी मसल्स की वजह से होता था। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है तो सस्पेंसरी लिगामेंट टेंशन में आता है और वो लेंस को क्या कर देता है बेटा, थिन। और अगर जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, है ना, तो वहां पे क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या होता है, रिलैक्सेशन आ जाता है उसमें, तो उसमें जो टेंशन था वो कंप्रेशन में बदल जाता है। इसके बाद जो लेंस होता है वो हमारा कैसा हो जाता है बेटा, ठीक। किसकी वजह से हो रहा है, मेन रीजन क्या है बेटा, प्यूपिल नहीं है, रेटिना नहीं है, आयरिस नहीं है, द रीजन इज व्हाट, सिलेरी मसल्स। जबकि सिर्फ और सिर्फ सिलेरी मसल्स की वजह से नहीं होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसकी किसकी वजह से होता है, सिलेरी मसल्स प्लस सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इन दोनों की हेल्प से हो पाता है, है ना। ये दोनों जब ऐसा है, दोनों काम करते हैं कोऑर्डिनेट करके, तब क्या होता है, लेंस की डायमेंशन या फोकल लेंथ चेंज हो पाता है। जबकि ये जो एडजस्टमेंट है वो बहुत कम होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन्हीं की हेल्प से पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बोल रहा है, अब मायोपिक पर्सन हैज अ फार पॉइंट फॉर द डिस्टिंक्ट विजन एट 5.6 मीटर। अब देखो फिर से मायोपिक पर्सन बोल रहा है, अ मायोपिक पर्सन हैज अ फार पॉइंट फॉर डिस्टिंक्ट विजन एट 5.6 मीटर, व्हाट फोकल लेंथ स्पेक्टिकल्स लेंस शुड बी नीडेड टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। अब आप इसमें समझिए हमें क्या है, हमें जो दूर का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब यू की वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। क्लियर है इसमें जो है, इसमें जो यू की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन फिर मैं कर दे रहा हूँ, यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली इन्फिनेट। क्यों, द ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें दूर का ही तो देखने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे बोल भी दिया उसने कौन सा पर्सन डिफेक्ट है, मायोपिक पर्सन। तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी, है ना। अब वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले लेंगे हम, देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वी इज इक्वल्स टू माइनस 5.6 मीटर, बस हो जाएगा आसानी से, जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ही है, बस समझने का है कि जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बन रही कहाँ तक, यहाँ तक देख पा रहा है, लिया होगा इसमें मायोपिक पर्सन है फार पॉइंट, मतलब जो बिल्कुल इससे दूर वो देख ही नहीं पा रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे है ना, उसमें क्या है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट उसके इससे जो वो इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, देख कहाँ पा रहा है मैक्सिमम अब तक 5.6 मीटर तक, यही जोन ऑफ विजिबिलिटी वगैरह बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर से देखो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल रहा है, तो क्या रिलेशन हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पे 1/ फोकल लेंथ निकालनी है, v कितना है बेटा, माइनस 5.6, है ना, ये मीटर में दिया तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं खैर इसको, माइनस 1/u कितना है, इन्फिनिटी। तो ये वाला जो पार्ट है वो कैसा हो जाएगा बेटा, जीरो, है ना, ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, जीरो। चलो अब यहाँ से डायरेक्टली फोकल लेंथ कितना आ रही है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस 5.6, ये दिया है किसमें बेटा, मीटर में, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम सेंटीमीटर में, एफ इज इक्वल्स टू माइनस 5.6 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना। चलिए यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना रहा, 5.6 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यू दी हुई यहाँ पे देख लो, एफ की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, हालांकि हमारे यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा आंसर डायरेक्टली कितना, 560 सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में भी आ सकता है लेकिन वो हमारा क्या है, जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा हमें उस ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा बेटा, मैच। तो डायरेक्टली बस इजी था फॉर्मूला, आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो तो ध्यान से, जब दूर के ऑब्जेक्ट की बात होती है ये मेन कंसर्न ये है कि भैया ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि मायोपिक पर्सन है, तो मायोपिक पर्सन को कहाँ पे दिक्कत आती है बेटा देखने में, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स में, है ना। तो जब उसको दूर देखना है, दूर तो मतलब होता है इनफाइनाइट, वो नहीं दिख रहा हमको, वो जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, आ गया 5. इससे पीछे तो वो देख ही नहीं पाता है। तो यू की वैल्यू हम क्या लेंगे बेटा, इन्फिनिटी, और वी क्या बन जाएगा हमारा 5.6, माइनस है क्योंकि सेम साइड में है दोनों, इस वजह से हम क्या ले लेते हैं उसको, माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लाइट आई लेंस।
हमें पता है जब हमको पास का ऑब्जेक्ट देखना रहता है तो लेंस कैसा हो जाता है बेटा, थिक, और दूर का देखना होता है तो लेंस थिन। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये किसकी वजह से हो जाता है, सिलियरी मसल्स का और सस्पेंसरी लिगामेंट का। क्या होता है बेटा, इनके कोऑर्डिनेशन से ये चेंज आता है, लेकिन इस एबिलिटी को जो हमारा जो आई लेंस है ना वो डिस्टेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ये तो डिफेक्ट है, ये वाला भी डिफेक्ट है, ये सारे हैं, तो इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन, दोनों नाम से हम जानते हैं, या तो इसको एकोमोडेशन बोलेंगे या तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, दोनों नाम से आ सकता है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। बस इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं कि लेंस हमारा जो अडॉप्ट कर लेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच सेल रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द लाइट, है ना, तो हमारी जो कलर हमें कैसे पता लगता है इसका कलर क्या है, जब कोई लाइट रे हमारे कहाँ रेटिना पे पड़ती है, रेटिना कोई पॉइंट तो है नहीं, रेटिना क्या पूरी लेयर है, तो उस पूरी लेयर पे क्या है, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, हमारे पास दो ही लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, एक कौन सा है बेटा, रॉड्स, और सेकेंड कौन सा है बेटा, कोन्स। तो इनमें से देखो ध्यान से, रॉड्स हैं क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप के थे, कोन है क्योंकि कोन का शेप का होता है। अब इसमें मैंने बताया था सी से कोन है, सी से कलर है, तो इसका मतलब कलर को मुझे आइडेंटिफाई करना है, या जो कलर का जो रेजोल्यूशन है हम पता समझ पा रहे हैं वो किसकी वजह से होता है बेटा, कोन सेल्स की वजह से, किन सेल्स की वजह से होता है बेटा, ये कोन सेल्स, तो कोन सी का क्या हो जाएगा, कलर। अब देख लीजिए सी फॉर कलर, सी फॉर कोन, तो ऑप्शन देख लेंगे हम इसमें, विच सेल रिस्पॉन्स टू द कलर की बात हो रही, तो रॉड्स है नहीं, बोथ है नहीं, नन ऑफ दिस है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, कोन शेप सेल्स, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन केस ऑफ, कॉनकेव लेंस कैसा होता था, देखो सर कॉनकेव लेंस कैसा है बेटा, ऐसा होता है कि नहीं, ये डिफेक्ट कब यूज कर रहे थे हम, जब हम क्या चाहते थे बेटा, रेज जल्दी कन्वर्ज हो रही थी, मतलब रेटिना से पहले ही लाइट रेज आके कन्वर्ज हो जा रही थी, तो हम क्या चाहते थे कि वो डाइवर्ज कर दे, और पहले फिर उसके बाद लेंस और थोड़ी सी इसकी क्या करे, कन्वर्जिंग पावर थोड़ी घटाए, तो हम किस लिए करते थे बेटा यहाँ पे, जब रेटिना के पहले ही लाइट रे कन्वर्ज हो जाए तो वो डिफेक्ट कौन सा है हमारा, मायोपिया, कौन सा डिफेक्ट है बेटा, मायोपिया, मतलब पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस इज यूज फॉर प्रेस मायोपिया नहीं है ना, एस्टिगमेटिस में नहीं, हाइपरमेट्रोपिया नहीं, और ये कौन सा बेटा, मायोपिया। अब ये होता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन करेक्शन है किसकी वजह से बेटा, मायोपिया, मतलब दूर का देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझ समझ के करेंगे। देखो पहले, मोहन कुड सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ये क्या है, 2 मीटर तक देख सकता है मोहन, ठीक है ना, अब वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सी क्लियरली अप टू 10 मीटर, मतलब मैं 2 मीटर तक देख पा रहा हूँ, मान लो मोहन हूँ, है ना, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 12 मीटर तक आराम से दिखाई दे, मतलब मैं अपना जोन बढ़ाना चाह रहा हूँ ना, तो अब इसमें समझते हैं ये कौन सा हो गया बेटा, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 मीटर के बजाय अब कितना देखना चाहता है, 10 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किसे मेजर करेंगे, देखो मेन कंसर्न तो हमारा उसी को लेके है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है और इमेज डिस्टेंस क्या है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, देखो जहां तक हम देख सकते हैं या जब हमारी इच्छा, दो ही ऑप्शन है, एक तो या तो 2 मीटर दिया हुआ है या कितना दिया हुआ बेटा 10 मीटर, है ना, डिजायर्ड डिस्टेंस जो रहेगा, जैसे मान लो मैं 2 मीटर तक देख सकता था पहले, लेकिन अब मैं कहां तक देखना चाहता हूँ बेटा 10 मीटर, तो इसमें जो डिजायर्ड डिस्टेंस मतलब मेरी इच्छा कहां तक देखने की है, वही क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऐसे याद रखेंगे, डिजायर्ड डिस्टेंस मतलब जहां तक मेरी इच्छा है ना, वो जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन जाएगा, और जहां तक मुझे पहले दिखाई दे रहा था, है ना, वही मेरा क्या बन जाएगा, इमेज, या वी, याद रखिएगा यू और वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 2 मीटर तक देख पा रहे थे, फिर चले गए 10 मीटर तक, मैं चाहता हूँ तो जहां तक मैं चाहता हूँ देखना, तो भाई ऑब्जेक्ट देख पाऊंगा, इसका मतलब क्या है, वो डिजायर्ड है, तो वही मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहीं से अगर हमको क्या पता लग जाए बेटा, इमेज डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, देखिए इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जहां तक हम पहले देख पा रहे थे, डिस्टेंस
अप टू विच मोहन वॉज एबल टू सी। ठीक है, ये लाइन को आप समझ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की हम बात करेंगे, हमें यू मिल गया और क्या मिल गया बेटा, वी मिल गया। चलो यू क्या है, डिजायर्ड डिस्टेंस, देखते कहाँ तक देखना चाहते हैं हम, 10 मीटर, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या है, हम देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट लेंस के दोनों एक तरफ है, वहां से रेज आ रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे तो कैसा दिखाई देगा बेटा, -10 है ना। v कितना हो जाएगा मेरे लिए, v की वैल्यू हो जाएगी -2 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था बेटा, इसमें यू हैव टू फाइंड द व्हाट टाइप ऑफ लेंस और उसकी पावर। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या पता लग जाए, फोकल लेंथ पता लगेगी। तो हम देखते हैं इसमें, 1/f = 1/v - 1/u। देखो यहाँ से 1/fe तो पावर है, तो यहाँ से डायरेक्टली निकल आएगा 1/f = 1/v। v कितना दिया बेटा इसमें, -2, और ये क्या है, -1/-10। चलो ये वाला माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, देखिए -1/2 + 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा बेटा, -5 + 1 कितना आ गया यहाँ पे, देखो पावर इज इक्वल्स टू -4/10। ये कितना हो गया, पावर इज इक्वल्स टू -0.4 डायोप्टर। ठीक, पावर की वैल्यू नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, कौन सा लेंस है बेटा, दिस इज अ कॉनकेव लेंस। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, कॉनकेव लेंस का पावर कितनी है, 0.4d। बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू लेनी है आपको इसमें बेटा। ठीक है, कि यू क्या बनेगा और हमारा वी क्या बनेगा इसमें, जिसने ये समझ लिया क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच इज द कलर ऑफ लाइट, विजिबल लाइट विच हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी मिनिमम होगी, देखो देखो एक वेव मैं ऐसी बना देता हूं, ये लगभग कुछ ऐसी वेव है, और एक वेव कैसी है बेटा, ये ऐसी है, तो ऑब्वियस ही बात है जितने टाइम में क्या है इसकी कितनी सारी वेव बन गई, देखो यहाँ पे, है ना, तो नीचे वाली की जो क्या है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो नीचे वाली वेव है उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वेवलेंथ के टर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इसकी वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, थोड़ी सी बड़ी है इस वेव की, ठीक है ना, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी बेटा, कम, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो कैसा आ गया, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, हां वेवलेंथ के इनवर्स है। अब विजिबल लाइट जो हमारी है, इस विजिबल लाइट में कितने कलर्स हैं, 7, कौन कौन से बेटा, VIBGYOR। अब ये जो ऑर्डर था ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसमें, वेवलेंथ के, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के हिसाब से, ये कैसा है बेटा, बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो, भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा हो, इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, ऑटोमेटिक से किसकी होगी बेटा, रेड, तो रेड इज हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेड की जो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी बेटा, मिनिमम, क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखो अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द आई गेट्स फोकस ऑन द रेटिना बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन एट। अब जब लाइट रे ऑब्जेक्ट से आती है तो सबसे पहले वो किस पे टकराती है बेटा, कॉर्निया पे। कॉर्निया पे क्या होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, इसके बाद लेंस में एक्वस ह्यूमर है उसमें रिफ्रैक्शन, फिर लेंस में, फिर विट्रेस ह्यूमर में, फिर इसके बाद कहाँ पे होता है बेटा, तब जाके वो रेटिना पे उसकी इमेज बन के आती है। तो रिफ्रैक्शन में किन किन का रोल हो गया, पहला वाला पार्ट तो हो गया कॉर्निया,
कॉर्निया पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन है, सेकंड कौन सा है, एक्वस ह्यूमर, थर्ड कौन सा है, लेंस, चौथा कौन सा हो गया, विट्रस ह्यूमर, है ना। ये चारों जो हैं ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इमेज को बनाने में, कहां पे, रेटिना पे, इन इन जगहों पे क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन पहला कौन सा है। अब बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कॉर्निया, सिर्फ कॉर्निया की वजह से नहीं है, सिर्फ क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से नहीं, विट्रस ह्यूमर की वजह से नहीं है, लास्ट में कौन सा है, वेरियस सर्फेसिस इन द आई। तो कौन कौन से वेरियस सर्फेसिस है, पहला कौन सा बेटा कॉर्निया, सेकेंड है एक्वस ह्यूमर, थर्ड है लेंस, और चौथा कौन सा है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं, किसकी वजह से फोकल लेंथ में चेंज होता है बेटा, प्यूपिल नहीं है, है ना, प्यूपिल का काम नहीं है, रेटिना का काम नहीं, आयरिस का नहीं है, तो इसमें कौन हो गया बेटा, सिलेरी मसल्स, याद रहेगा। तो इसमें एक चीज ऐसे समझ लो, देखो जब सिलेरी मसल्स, याद रखिएगा बहुत आसान तरीका है, जब सिलेरी मसल्स कैसी होंगी, ये कैसी होती है बेटा, रिलैक्स, याद रखिएगा, जब ये रिलैक्स होती है तब क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट में क्या आ जाता है बेटा, टेंशन। ठीक, इस टेंशन की आने की वजह से क्या हो जाता है, जो लेंस है वो कैसा हो जाता है बेटा, थिन। और अगर जब लेंस थिन है, थिन लेंस, दिस मींस कैसा हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, भूलेंगे नहीं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। तो जितने भी टाइप है इस तरह के क्वेश्चन आप अपने आप को ले जाओगे इस पे। देखो ध्यान से, सिलेरी मसल रिलैक्स हुआ, सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन आया, टेंशन आने लेंस थिन हो गया, लेंस थिन हुआ तो मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया, इसी का जस्ट वाइस वर्सा है, इसी का जस्ट उल्टा है, है ना। तो उस पे भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलो, अब फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, अब क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैसा है ये फोकल लेंथ। अब देखो, फोकल लेंथ जब हम चेक करेंगे कभी भी, तो हमको कहीं ना कहीं वैल्यूज दी होती है ना, जनरली कभी ना 2 सेंटीमीटर के आसपास रहता है ये, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज फिक्स्ड। ठीक है, वो जो वैल्यू दी हुई है, चलो उसके हिसाब से देखोगे तो लगेगा फिक्स्ड है, बीच में देखो क्या बोल रहा है बेटा, वेरिएबल भी है। हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से ही तो हो जाता है, हमारा जो लेंस प्रोटीन का बना हुआ है ना, तो वो अपना शेप एडजस्ट करता रहता है। तो फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, फोकल लेंथ कैसी है बेटा, वेरिएबल है। दूसरा क्या बोल रहा है, समटाइम्स फिक्स्ड एंड समटाइम्स वेरिएबल, बिल्कुल बकवास है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कभी अपने मन का तो है नहीं है, ये कैसा है बेटा, हमारे मसल्स हमारे कंट्रोल में। नेक्स्ट कौन सा है, कांट से, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये जो वैल्यू बन के आएगी वो कौन सी बन के आएगी बेटा, बी ऑप्शन, वेरिएबल। इसलिए अगर ये वेरिएबल ना होता तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का कोई मतलब ही नहीं होता, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स और फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो रहा है, ये एडजस्ट करता है, तो एडजस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता, अगर वैल्यू कैसी हो जाती बेटा, फिक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो फोकल लेंथ है इसका, लेंस का, ये कैसा है बेटा, इट्स अ वेरिएबल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसमें बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फाइनल इमेज इज इरेक्ट, सीधी बननी चाहिए इसमें इमेज, ठीक है ना, हमें इमेज बनानी है सीधी और मैग्नीफाई भी करना है। पहला देख लो क्या है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हम लोगों ने देखा था वहां पे माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, लगभग वो मैग्नीफाई कर देता है इमेजेस को, है ना। तो इमेज को हमें क्या बड़ा बना के देखना होगा, तो हम कहां पे रख देते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए था, लेंस और लेंस के फोकस के बीच में, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बना के रखता है हमारे पास, ठीक है ना। और काम की बात यह है कि कैसा बेटा, सेम साइड में है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, है ना, ये लेंस बनाता है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। कंपाउंड लेंस में, माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ है नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल में भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ये क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की पहले इन्वर्टेड इमेज बना देते हैं, उल्टी इमेज बनाते हैं, फिर उस उल्टी इमेज को क्या कर देगा, ये मैग्नीफाई कर देगा और बड़ा कर देगा। तो हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो इमेज चाहिए वो कैसी बेटा, इरेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अलावा बाकी जो सिंपल वाला था, जो हमने पहले केस में पढ़ा था, वो वाला जो केस है वो कैसा है बेटा, वो बिल्कुल स्ट्रेट इमेज बनाता है। देखो इधर समझ लेते हैं इसको, देखिए ये लेंस है मान लीजिए कॉन्वेक्स, ये इसका क्या है, मान लो फोकल लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दें बेटा, यहाँ पे रख दें, इसके बीच में, ठीक, एक लाइट पैरेलल जाती है और एक ऐसी जाती है, ऐसे फोकस से पास, ठीक है।
एक लाइटर हम कैसे निकाल लेते हैं, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट। ध्यान से देखते हैं, तो हमने जो डायग्राम बनाया था तो ये लाइंस कैसी हो गई बेटा, डाइवर्जिंग, ये कभी मीट ही नहीं करती हैं। तो इनको मीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ हम इसको कहीं ना कहीं क्या कर देंगे बेटा, ये यहाँ कहीं एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये आपको कहीं ना कहीं पीछे जाके क्या हो जाएगी बेटा, ये मीट कर जाएगी। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है इसकी इमेज, क्लियर है। तो इसकी इमेज देखो सीधी बन रही है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, बस ये है हमारा। तो पहला ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा आंसर, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, कौन सा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमें ये पता है कि जो लाइट है व्हाइट लाइट वो किसके में कितने कितने कलर से बनी बेटा, 7 कलर से, है ना, वेबग्योर। तो ये जो फिनोमेना है किसका, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एट व्हाट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन, लाइट का डिस्पर्शन होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, मीडियम का चेंज होना चाहिए। तो मान लो एक लाइट रे मैंने पास करी किसी प्रिज्म से, तो प्रिज्म किसका बना हुआ है बेटा, ग्लास का बना हुआ है, तो एयर से लाइट गई कहां पे बेटा, ग्लास में। अब वहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड की वजह से, भाई कलर वेवलेंथ तो है ही अलग अलग, देखो ध्यान से, जैसे ये वायलेट है, जी वाई ओ आर, इन सब की अलग अलग वेवलेंथ है, तो अलग अलग वेवलेंथ, तो इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग जिस मीडियम में क्या है इनको ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो भी वेरी करेगी, तो इनकी जो बेंडिंग है वो क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, है ना, इनकी जो बेंडिंग है वो कैसी जाएगी बेटा, अलग अलग हो जाएगी। सबसे लीस्ट कौन बेंड होगा, रेड, और सबसे ज्यादा कौन बेंड होगा बेटा, वायलेट, है ना। अब ये बेंडिंग हो जाएगा, तो इन बेंडिंग की वजह से मुझे क्या पता लग गया बेटा, कि व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, ठीक है। इस फिनोमेना को, किस फिनोमेना को, व्हाइट लाइट के बाद जो 7 कलर निकल के आता है, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज व्हाट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये जो डिस्पर्शन हो चुका है, अगर इसको मैं किसी स्क्रीन पे रख दूं, है ना, उस डिस्पर्शन के बाद अगर कोई स्क्रीन लगा दी जाए, देखो सर, जैसे मान लो एक प्रिज्म की ही बात करते हैं, ये लीजिए प्रिज्म, सिंपल सा प्रिज्म है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब देखो यहाँ पे लाइट रे आई, यहाँ पे इस लाइट आती है, ये क्या होती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए, मान लो ये ऐसे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए मान लो, ठीक। तो यहाँ पे कैसे बन गए बेटा, खूब सारे बैंड्स बन जाएंगे, 7 कलर्स बन जाएंगे यहाँ पे सारे, ठीक है। इस स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्शन। और बाद में यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दी जाए, मान लो ये क्या रख दिया गया, स्क्रीन, उस स्क्रीन पे ये जो 7 कलर का जो बैंड है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये इस बैंड को जो हमारा फॉर्म हुआ है कहाँ पे, स्क्रीन पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम, ठीक है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स विच इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो बैंड जो कलर का वो कहाँ मिला मुझे, स्क्रीन पे मिला, तब मैं उसे क्या बोल देता हूँ बेटा, स्पेक्ट्रम। ये पूरा क्या बन जाता है, दिस विल बिकम स्पेक्ट्रम। चलिए देखते हैं इसको बेटा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये व्हाइट लाइट है, देखो उधर, ये क्या है, व्हाइट लाइट, सनलाइट को मान लिया, लाइट पड़ी यहाँ पे कहाँ से, ये मीडियम कौन सा बेटा, एयर, ये क्या है बेटा, ग्लास, और फिर से ये मीडियम कैसा हो गया, एयर। तो जब ये नॉर्म यहाँ पे पड़ी किसी सरफेस पे, तो पहले वाले सरफेस पे, इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये क्या है बेटा, इस सरफेस का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहला है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। लाइट यहाँ पे पड़ी, इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, फिर अब ये मीडियम चेंज हुआ, तो मीडियम चेंज होने से क्या हुआ, उसकी जो वेवलेंथ थी भाई, अलग अलग वेवलेंथ की है लाइट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी स्पीड में वेरिएशन की वजह से क्या हो गया बेटा, इनकी अलग अलग बेंडिंग हो गई। यहाँ पे भी 7 कलर्स हैं लेकिन वो स्प्लिट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, ये 7 कलर्स में क्या हो गया बेटा, स्प्लिट। इस स्प्लिटिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्शन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज व्हाट, डिस्पर्शन, है ना। देखो यहाँ पे, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अब ये पहले सरफेस के बाद देखो दूसरे सरफेस पे पड़ रही है, तो दूसरा सरफेस कैसा है बेटा, एक ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब अब जो लाइट है वो कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, और जब ऐसा होता है इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले वाले केस में टुवर्ड्स नॉर्मल गई, इसके बाद कैसी गई बेटा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो जाने दीजिए, जाने के बाद ये जो 7 कलर्स मिल गए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्शन। लेकिन अब इस 7 कलर्स को देखा कहां पे, ये एक स्क्रीन लगा दिया क्या लगा दिया यहां पे, स्क्रीन। तो इस स्क्रीन पे ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स बन गया ना, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम में।
फिनोमिना का नाम है, व्हाइट लाइट जब सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाए तो वो बनता है डिस्पर्शन, और यही जब व्हाइट सेवन कलर्स जब किसी स्क्रीन पे दिखते हैं तो उस बैंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए अब देखो ये एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहले ये ध्यान में देखा गया कि मान लीजिए चलिए अभी व्हाइट लाइट है, ये क्या है बेटा, व्हाइट लाइट है ना। जब व्हाइट लाइट को हम कहां से पास कर देते हैं बेटा, ग्लास से या ग्लास प्रिज्म से अगर हम बात करें, ये भी ग्लास है, ये भी कैसा है बेटा, ग्लास है। ठीक, तो सबसे पहले न्यूटन ने ये सोचा कि अगर मान लो व्हाइट लाइट जब सेवन कलर्स में स्प्लिट हो गई, भाई वो सेवन कलर्स आ गए, वॉयलेट, इंडिगो है ना, VIBGY, ठीक है ना, तो ये सेवन कलर्स में हो गया। अब हम क्या अगर इन लाइट में से जो कौन सी लाइट है, वॉयलेट है, मान लो वॉयलेट को उठाया, इसको फिर से किसी ग्लास से पास कर दिया जाए, तो क्या वो फर्दर सेवन कलर्स में स्प्लिट होती है? मतलब कहने का कि एक व्हाइट लाइट से क्या है, एक व्हाइट लाइट से हमको कितने कलर्स मिल गए बेटा, सेवन कलर्स मिल गए हमको यहाँ से, सेवन कलर्स। क्या इन सेवन कलर्स में से हमने क्या करा, एक कलर को पिक कर लिया हमने मान लो, ठीक है, तो इससे क्या फिर से सेवन कलर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐसा किया गया तो उन्होंने क्या करा, पहले एक प्रिज्म लगाया था तो वो सेवन कलर्स तो आए, इसके बाद फिर से एक प्रिज्म लगा दिया तो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो फर्दर डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने क्या करा, पहले इनका जब एक्सपेरिमेंट था, एक प्रिज्म एक ट्राइंगल ऐसे लगाया, ठीक प्रिज्म वाला, फिर एक और लगा दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि लो ये स्प्लिट कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ स्प्लिट। फिर इन्होंने क्या किया, इसको रोटेट करके लगा दिया। देखो दिमाग चलाया कि भाई जब सिंगल व्हाइट लाइट से सेवन कलर बन सकते हैं तो क्या ये सेवन कलर के कॉम्बिनेशन से क्या दोबारा व्हाइट लाइट मिल सकती है क्या हमें? हाँ मिली। उन्होंने कैसा रख दिया, जब इसको इन्वर्ट करके रख दिया, कैसा रख दिया बेटा, इन्वर्ट करके, या इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म। कैसे रख दिया बेटा, इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म। देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, ये व्हाइट लाइट कैसे सेवन कलर्स में स्प्लिट हो गई, फिर यही स्प्लिट लाइट फिर से कैसे निकल गई बेटा, ये कैसी हो गई, व्हाइट लाइट रिकॉम्बिनेशन। यहां पे क्या हो गया, पहले वाले पार्ट में स्प्लिटिंग हुई, फिर इसके बाद फिर से क्या हो गया बेटा, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किनका, सेवन कलर्स का रिकॉम्बिनेशन, ताकि वो कंबाइन करके फिर से क्या बना दे हमारे लिए, व्हाइट लाइट। ठीक है, चलिए आगे, चलिए बस फर्क कितना पड़ा देखो ध्यान से, इसमें ऑब्जर्वेशन में ध्यान से देखो क्या चीज पता है फर्क आया। बस ये पहले ऐसे जा रही थी व्हाइट लाइट, देखिए ध्यान से, इतना सा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है ना, व्हाइट लाइट कहां थी देखो उसमें कितना हो गया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये लाइट ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हो गया, उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया बस खाली। ठीक है, लेकिन अभी भी लाइट कैसी बेटा, पैरेलल। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग बैक होता है ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट है ना, थर्ड कौन सा है बेटा, डिस्पर्जन। ये क्या है, बिल्कुल सही है, स्कैटरिंग नहीं है, डिस्पर्जन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं है। स्कैटरिंग क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी कुछ समझ लेते हैं क्या है, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करना, फिर दोबारा उसी लाइट को क्या करना बेटा, रीएमिट करना, तो वो जो फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सारी चीजें गलत हो गई, इसमें से कौन सा सही है, सी ऑप्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अब देखो, कलर्ड बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अब बैंड ऑफ सेवन कलर्स, सात कलर का जो बैंड है, जो पूरा बैंड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम था ना, मैंने एक बार और वर्ड जो क्लास लाइट स्टार्ट करा होगा, सबसे पहले बताया होगा, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या करा, जब सेवन टाइप्स ऑफ रेडिएशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया था हमने वहां पे, फिर उसमें से कुछ पार्ट था जो विजिबल लाइट का पार्ट था। इसका मतलब क्या है, लाइट इज अ कैसा है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, वही चीज आ गई है, यहाँ पे देखिए, कलर बैंड ऑफ कलर्स डिस्पर्जन के बाद हमको क्या बनाते हैं, ये क्या बन के आता है बेटा, स्पेक्ट्रम। अभी मिराज के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिर शेडो और इमेजेस नहीं है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है बेटा, कौन सा है, स्पेक्ट्रम। स्प्लिटिंग को बोलेंगे डिस्पर्जन, और ये जो सेवन कलर जब आपके स्क्रीन पे फॉर्म होंगे, पूरे एक बैंड बना दे, तो ये क्या बनाते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। अच्छा एक चीज इसमें काम की बात ये है कि इनमें कोई बहुत डिमार्केशन नहीं होता, कि जैसे मान के चलो देखो ये बैंड बना रहा है, मान लो VIBGYOR, ये बैंड जरूर बना रहा है, लेकिन कोई बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं होता वॉयलेट और इंडिगो के बीच में, इंडिगो और ब्लू के बीच में है ना, इसमें डिमार्केशन नहीं होता। इसमें क्या करते हैं कि मतलब थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाती है, यहाँ पे क्या है, देयर इज ऑलवेज एन ओवरलैपिंग। There is always an overlapping between the colors.
ठीक है, कलर्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कैसी होती है बेटा, ओवरलैपिंग होती है। चलिए चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे ना। प्रिज्म है क्या? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस है जिसपे क्या है, पांच तरीके के सर्फेस है। इट इज बाउंडेड बाई फाइव सर्फेसिस। कैसा है देखो ध्यान से, सामने से कैसा दिखता है बेटा प्रिज्म, ट्राइंगल, ठीक है ना। पीछे से अगर हम देखेंगे तो भी कैसा दिखाई देगा बेटा, ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, इसको क्या करा जाए, इधर से देखा जाए और इधर से देखा जाए और नीचे से देखा जाए। अब बताओ कैसा दिखाई देगा ये, ये शेप कौन सा दिखाई देगा, लगभग रेक्टेंगुलर, ठीक। तो कैसे हो गया, इधर भी रेक्टेंगुलर है, इधर भी रेक्टेंगुलर, और नीचे कैसा है बेटा, रेक्टेंगुलर। सामने से कैसा दिखता है ये, ट्राइंगुलर। सामने से कैसा दिखाई देता है, सामने से दिखाई देता है बेटा ट्राइंगुलर शेप का। पीछे भी कैसा होगा बेटा, ट्राइंगुलर। तो फाइव सर्फेसेस दिख गए, तीन रेक्टेंगुलर हैं और दो कैसे ही बेटा, ट्राइंगुलर सर्फेसेस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, देखो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय फाइव प्लेन सर्फेसेस विद अ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। जैसे मान लो एक रॉड है बेटा, एक सर्कुलर रॉड है, इसको आपने क्या करा, बीच से कट कर दिया आपने इसको, है ना, इसको कट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो इसकी लेंथ तो कम हो ही गई आपकी, है ना। अब जब कट करने के बाद आपने देखा तो अभी भी एक ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, सर्कुलर। कट करने के बाद जो भी शेप आपको दिखाई दे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, क्रॉस सेक्शन। वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब प्रिज्म को जब काटा जाएगा तो उसका जो क्रॉस सेक्शन आता है वो कैसा आता है बेटा, ट्राइंगुलर। प्रिज्म को कहीं से भी आप काट दीजिए, कैसे काटना है कैसे उसका भी प्रोसीजर है। देखो सर, प्रिज्म लगभग ऐसा रहेगा, ठीक है, लेंथ के हिसाब से अगर मान लीजिए प्रिज्म ऐसा है तो आपको कैसे काटना है बेटा, इस प्लेन में काट देना है, हां। ऐसे पैरेलल प्लेन्स में अगर हम काटते चले जाएंगे तो क्या दिखाई देगा मुझे, ट्राइंगुलर। अगर हम ऊपर से काटेंगे तो अलग सा शेप दिख जाएगा हमें, है ना। तो हमें काटना है पहले वाले शेप के हिसाब से, तभी हमें क्या दिखाई देगा बेटा, ट्राइंगुलर। देखो ध्यान से, ये क्या है हमारा, प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म। देखो ध्यान से कैसा है, ये ट्राइंगल, ये वाला फ्रंट वाला पोर्शन, ये जो शेडेड एरिया है कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ट्राइंगल। इसी की जो पीछे होगा बिल्कुल वो भी कैसा दिखाई देगा, ट्राइंगल, है ना। और बाकी सारे कैसे, रेक्टेंगुलर। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे कट करते चले जाए पैरेलल, तो जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा आएगा बेटा, ट्राइंगल ही तो आएगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बन के आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कैसा दिखाई देगा, इज ट्राइंगुलर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे, प्रिज्म की टर्मिनोलॉजी। चलो सबसे पहले प्रिज्म बनाते हैं हम, यहां देखिए, मान लो बेटा ये प्रिज्म है, ठीक है, इसमें कुछ सर्फेसेस हैं, ये क्या है बेटा, बेस। इसको क्या बोलोगे आप, बेस। ये कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, ठीक, ये वाला सर्फेस रिफ्रैक्टिंग। और यहां ये भी क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच का जो एंगल है, ये देखो ये वाला एंगल, ये क्या बन जाता है, कैपिटल ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए का मतलब क्या है बेटा, ए को हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, ए को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पे देखिए, लाइट अगर इधर से आए, देखो डायरेक्शन लाइट का, ये लाइट आ रही है तो ये कैसी होगी, ऑब्वियस ही बात है, ये व्हाइट बनाते हैं इसको ताकि व्हाइट बन जाए, है ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अरे ये तो चला गया पूरा, चलो फिर से बना लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल है, ये प्रिज्म है, चलो अब हम इसमें क्या बनाएंगे बेटा, व्हाइट लाइट। ये लाइट लेके आए, ये कैसी लाइट है बेटा, व्हाइट लाइट। मीडियम कहां से कहां चेंज हो रहा है बेटा, एयर से लेकर कहां जा रहा है, ये ग्लास में जा रहा है। तो मीडियम कैसा हो गया, इट इज मूविंग फ्रॉम रेडियल मीडियम टू द डेंसर मीडियम, ठीक है। चलो अब समझते हैं, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहां पे ये पड़ गया, अब हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से, एक ऐसी नॉर्मल बनाएं जो इस पॉइंट से पास होकर चली जाए, ठीक है।
अब ये जो लाइन है कहाँ पे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ लगभग ऐसे चली गई, ठीक है। अब फिर सिर्फ हमको क्या मिल गया, इंटरफेस, जहां पे भी इंटरफेस मिलेगा वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम सरफेस से 90 डिग्री, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं ये देखो, क्लियर है, एक ये नॉर्मल मिल गया, दो नॉर्मल बनाई मैंने क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव सर्फेसेस थे तो इंटरफेस हमको मिल गया। अब जब इंटरफेस मिल गया, अब इस बार लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेरर, तो ये लगभग कैसी हो जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले ये नॉर्मल की तरफ चली गई थी और अब ये कैसी चली गई बेटा, नॉर्मल मतलब अभी दूर चली गई इस बार, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नाम के हिसाब से लाइट रे को डिफाइन करेंगे, देखिए ये कौन सी लाइट रे थी, ये कौन सी लाइट रे है बेटा, इंसिडेंट, ये कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे, ठीक। ये वाली लाइट में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ये रे कौन सी बोली जाएगी, ये पहली वाली जो पड़ी उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, बाद में रिफ्रैक्शन हुआ इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली जो रे निकल गया इसका नाम क्या है, एमर्जेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम, एमर्जेंट रे, ठीक है। देखो यहां से तीन रेज हो गई, तीन सरफेस में याद रहेगा, इसमें जो नाम के हिसाब से ही है। अब जब हम एंगल को मेजर करते हैं ना, तो एंगल कहां से मेजर करते हैं बेटा, नॉर्मल से, तो ये रे कौन सी थी, इंसिडेंट रे थी, तो ये जो एंगल आएगा ये बन जाएगा एंगल आई, है ना, एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां की बात अगर हम करें, देखो ये वाला एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये भी तो नॉर्मल से दो एंगल बन रहे हैं यहां पे, तो ये बन गया एंगल आर वन और ये क्या बन गया एंगल आर टू, मतलब पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये बन गया दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से हम मेजर करेंगे हमेशा, ये चीज याद रखिएगा यहां पे हमेशा, ठीक है। जो एंगल मेजर करते हैं यहां पे देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल से ही मेजर करना है आपको टोटल। अब लास्ट में ये वाला एंगल, ये देखो क्या है, कौन सी रे का है, ये एमर्जेंट रे का है, तो ये जो एंगल बन जाएगा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंस, इसको हम किससे मेजर करेंगे, स्मॉल ई से, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एमरजेंस या एमरजेंट एंगल, ठीक है, याद रहेगा सारे टर्म्स है बेटा, समझ लीजिए इसको, जो है जो एंगल है लाइट के जो रे पड़ रही है उसी के हिसाब से उसका एंगल है, इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे तो रिफ्रैक्टेड एंगल, एमरजेंट रे तो एमरजेंट एंगल, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो सेम प्रिज्म है, कोई चेंज नहीं है बेटा इस प्रिज्म में भी। चलिए अब देखते हैं, ये लाइट आई, वाइट लाइट है, कुछ डेविएट हुई थोड़ी सी, इसके बाद कैसी होगी बेटा, भाग गई इधर, है ना। तीनों के नाम पता लग गए हमको यहाँ पे, कौन कौन से हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। अब ध्यान से देखो, जो पहले वाली जो लाइट थी इंसिडेंट रे, ये कहाँ जा रही थी, ये तो सीधे की तरफ जा रही थी ऐसे, इसको जाना था इधर लेकिन निकल गई इधर, है ना। इसको भी आप क्या करिए, पीछे की तरफ इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लीजिए, तो ये लाइट रे कहीं ना कहीं तो मीट करेगी ना, इन ये कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है बेटा, एमर्जेंट रे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को जब पीछे की तरफ, इसको आगे बढ़ाया, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो बीच में एक एंगल बन के आया, ये कौन सा है, ये क्या है, डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी तो एक एंगल ही बन के आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। टर्म्स याद हो रहे हैं, टर्म्स याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टर्म्स नहीं याद होंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी बेटा इसमें, है नहीं। चलिए ये क्या बन गया बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, देखते हैं इसमें। एंगल हमको कहां से मेजर करना रहता है, सारा एंगल नॉर्मल से हम मेजर करते हैं ना सारे एंगल। यहां पे देखो ये क्या बन गई बेटा, नॉर्मल है ब्लू लाइन। अब ये एंगल कौन सा आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एंगल R1, ये क्या बन जाएगा, एंगल R2, ये क्या है बेटा, एंगल I या एंगल E, है एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है। इतनी टर्मिनोलॉजी हमको पता चल गई है यहाँ पे, क्लियर है।
चलिए इतनी टर्मिनोलॉजीज क्लियर करके आएंगे, फिर हम कल क्या बताएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला और प्लस उसका डेरिवेशन बताएंगे आपको कैसे डिराइव करते हैं, फिर उसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब ये आपका क्वेश्चन राउंड है बेटा, 5 मिनट आपके पास टाइम है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आज के लेक्चर से। चलिए चैट बॉक्स में बेटा आप पूछ लीजिए, आपको कुछ पूछना है तो। बस 2-3 लेक्चर और होंगे फिर लाइट हमारा फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी, देन विल मूव ऑन विद द मैग्नेटिज्म पार्ट। कुछ पूछना है बेटा किसी को? ओके, एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा? आकिब, ताबिश, आमिना, जीशान अंसारी, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। डीपीपी का में कोई दिक्कत आ रही है बेटा? कोई ऐसा क्वेश्चन जो डीपीपी का आपसे नहीं लग रहा हो अभी? एक भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आपने आपसे लग रहा हो? आज अपडेट कर देंगे डीपीपी, कल तक आ जाएगी आपको, मॉर्निंग में आज ही मिल जाएगी। क्वेश्चन लगाइएगा आप सारे, जो पुराने क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं, और भी मैं तो सारे करा ही रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले आपको आप उसको अटेम्प्ट करिए। जब मैं टॉपिक क्लियर करा दूंगा तो बेटा उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो और कुछ पूछना है बेटा किसी को? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? चलिए ठीक है, जस्ट वेट फॉर योर नेक्स्ट टीचर, है ना? ओके, थैंक यू बेटा।